कांग्रेसरु इस्तफा देले गणेश्वर बेहरा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जेपी गणेश्वर बेहरा पूर्वतन मंत्री थिले, वर्तमान से कांग्रेस छाड़ी सारी। आज सारा राज्य में सकाड़ुआ होइछि स्कूल, खरा को देखी सकाड़ा स्कूल करने को निष्पत्ति गणशिक्षा विभाग। एने सब स्कूल को निर्देश दिया जाइछि। सकाड़ुआ होइछि राज्य सब अंगनवाड़ी केन्द्र। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को देखी राज्य सरकार एभली निष्पत्ति। आज राज्य में समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र को सकाड़ुआ करने महिला और शिशु कल्याण विभाग पक्ष मार्गदर्शिका जारी करा। सबु अंगनवाड़ी केन्द्र सका सात दिन एगारटा तीस पर्यंत चलाइबाकु निर्देश रही। सकाड़ुआ होइछि राज्यर सबु अंगनवाड़ी केन्द्र। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को देखी राज्य सरकार एभली निष्पत्ति। आज राज्य में समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र सकाड़ुआ करने विभाग पक्ष मार्गदर्शिका जारी करा। सबु अंगनवाड़ी केन्द्र को सकाड़ुआ करने सहित सका सात आरंभ हो दिन एगारटा तीस पर्यंत चलाइबाकु कहा। राज्य में ताति असह्य होउछि, आगक भी भीषण ताति ने आंचलिक पानीपाग केन्द्र सूचना देछि। तबे सरकार पक्षर एभली निष्पत्ति। आउ नहाती प्रसिद्ध कंठशिल्पी शांतिलता बारिक भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल परलोक हो जाइछि। दीर्घ दिन धरी से असुस्थ थिले। आज राष्ट्रीय मर्यादा सह पुरी स्वर्ग द्वारे शेषकृत्य संपन्न करा जिवो। भजी भजी तो नाम चका नयन बाली रेणु महाबद्ध जगन्नाथ तुम्हें बड़ छलिया आदि भजन पाई ओडिशार घरे घरे परिचित थिले से। विशेषकर निजर सुमधुर कंठरे महाप्रभु जगन्नाथों भजन परेषण कला बेले अपूर्व भक्ति भावना खिली जाए। भुवनेश्वर में 1 अक्टोबर 1960 जन्म होते शांतिलता उत्कल संगीत महाविद्यालय ओडिसी संगीत में आचार्य करुले। शिशु संसार सीधा प्रसारण आकाशवाणी संप्रक्त थे। स्वीकृतिप्राप्त कलाकार भी होते आकाशवाणी। भक्तिगीत गायन में सर्वाधिक प्रसिद्धि से पाई संगीत अनुष्ठान स्वर तीर्थर प्रतिष्ठात्री शांतिलता। ओडिशा संगीत एकाडेमी पक्ष 2017 ओडिसी कंठ संगीत संबर्धित होते। 2023 फेब्रुआरी 13 जीवनव्यापी साधना पुरस्कार पाई शांतिलता छोटरा। आज प्रकाश पाव कांग्रेस प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका। 16 लोकसभा 50 विधानसभा आसन प्रार्थी ना घोषणा कर कांग्रेस। दिल्ली फेरी सूचना देखते पीसी सभापति शरद पट्टनायक। केंद्रीय निर्वाचन कमिटी प्रार्थी तालिका उपरे मोहर मारी से कहते कि नेता कांग्रेस छाड़ कि यार प्रभाव कांग्रेस उपरे पड़ ना अन्य दलर भी किसी नेता कांग्रेस में जोग दे। बीजेडी छाड़ी बीजेपी में मिशिले पद्म धरले केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी में जोग देते अभिनेता अनुभव महांती। बीजेपी मिश्रण कमिटी मुख्य विनोद तावड़े उपस्थित में अनुभव बीजेपी में जोग देते निकट में बीजेडी इस्तफा देते अनुभव। सांसद भर्तृहरि महताब पर बीजेडी छाड़ी बीजेपी में जोग देते अनुभव। भर्तृहरि बीजेपी कटकु सांसद प्रार्थी कर विश्वस्त सूत्र मिलता खबर अनुसार सांसद अनुभव को बीजेडी बारवाटी कटक आसन विधानसभा आसन प्रार्थी करजेपी सूत्र स्पष्ट कर। बौद्ध कंटामाला निर्वाचन मंडली विधायक प्रार्थी घोषणा पर घन राजनीति। चलित निर्वाचन में बीजेडी पुणि थे महिधर रणा को प्रार्थी कर। महिधर रणा को विरोध कर बौद्ध ब्लॉक अध्यक्ष प्रत्युष प्रियदर्शी रथों नेतृत्व में महिधर हटाओ कंटामाल बचाओ अभियान चली। कंटामाला राम मंदिर निकट में विरोध सभा चली जो समय बौद्ध ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में 25 अधिक सरपंच समिति सभ्य और 2000 अधिक कर्मी जोग देते समस्त मुख्यमंत्री को इस्तफा पत्र पठाई। ओडिया स्वाभिमान और अस्मितार संकल्प को नहीं उत्कल दिवस अवसर आयोजित ओडिशा 800 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोग देते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। सुआ कैंपस आयोजित कार्यक्रम में 8 क्षेत्र में काम कर प्रतिभा संबर्धित कर। धर्मेन्द्र कहते भाषा माने संस्कृति, संस्कृति माने अस्मिता, अस्मिता स्वाभिमान सांगे जड़ित। ओडिया भाषा संस्कृति अस्मिता गौरव एक सामूहिक परिभाषा सामूहिक कोड है ओडिया भाषा। ओडिया भाषा भित्तिक राज्य भाव 1936 जन्म नहीं इतिहास आमको प्रेरणा मिली वर्तमान आमको प्रेरित करा को 100 वर्ष पूरला बेले भारत को स्वतंत्रतार 100 वर्ष पूर भारत अर्थनीति 10 गुण बढ़। बलांगीर जिला पाटणागढ़ में बीजेडी प्रार्थी सरोज मेहर को खोलाखोली विरोध। एथर विरोध करुछंती केन्दुपत्र तोलाली संघ। सरोज मेहर गत विधायक कार्यालय काल में केन्दुपत्र तोलाली गोटाली की चेकर म्यूनिसी को पाई दिने हेले विधानसभा मुहां खोली नहांती।
ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ନେତା ଶିବାନନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଇଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ହକ୍ ପାଇବାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛି ଫଳରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ 55,000 କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୁଝାଇବେ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସଂଘ କାମ କରିବ ବୋଲି ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସହରରେ ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏକାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାର ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଯୋଜକ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ ଘାସିରାମ ବେହେରା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଏନେଇ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଦୋହରାଇଛି ବିଜେଡି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ନାଚିନ୍ଦ ଓ ଆରୁଆ ବୃତ୍ତି ଏକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ଏଥର ଅଧିକ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ 8-10 ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୁଜରାଟରେ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବ କେବଳ ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଧିକ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ରହିବ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 4-6 ଦିନ ହିଟ୍ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିଥାଏ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଡିଜିପି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ଅଧିକୃତ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ସହ ଡିଜି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡିଜି ସ୍ତରୀୟ ରେଞ୍ଜ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହେବ ବିଶେଷକରି ନକ୍ସଲ ଅଧିକୃତ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସୀମା ପାଖ ରାଜ୍ୟ ସହ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି କଳା ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ଉପହାର ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ନଜର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି 99 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 7ମ ବାଟାଲିୟନରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅବିନାଶ କୁମାର ଯୋଗ ଦେବା ସହ ପରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 9 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏହି ପରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ଯୋଗାଇଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର 20 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଡିଜିପି ଡିସ୍କ ଉତ୍ସବ 108 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଜି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାଣିକରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ରେଡ୍ ବାଣିକ ମାଲିକ ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇଙ୍କ ଘର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଜପୁର ହୋଟେଲ ସହ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆୟକର ରେଡ୍ କରିଛି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଘର ଆଉ ହୋଟେଲରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଆୟକର ବିଭାଗ କେବେଠୁ ସେ ଟିକସ ଟଙ୍କା ଫାଙ୍କିଥିଲେ ସେ ନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିନାହିଁ ଗତବର୍ଷ ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜିଏସ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ଟିକସ କେତେ ସେ ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଚିଲିକା ପାଣିରେ ପଶି ଦୋଳ ଆସେ ଆଉ ଚିଲିକାର 24 ମୌଜା ମାଲୁଦ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଯାତ୍ରାର ଏଭଳି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା ପାଣିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ବିମାନ କୋଣା ଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି
पूरी कृष्ण प्रसाद ब्लॉक रो ऐतिहासिक 24 मौजा मालुद पंचुदोल यात्रा अनुष्ठित एही यात्रा चिलिका कूल रे हुए चिलिका पानी रे पसी विमान रे ठाकुर दोल यात्रा पड़िया को आसंती यात्रा रे 23 ठाकुर विराजमान करिसें यात्रा रे मुख्य आकर्षण कागज सोलर रे निर्मित भड़ी की भड़ी सुसज्जित मेढ़ एही मेढ़ देखिबा पई दूर दूरांत रु हजार हजार लोकों समागम हुए मालुद पंचुदोल यात्रा 3 दिन चलिबो सह सह वर्षर धरि यात्रा चिलिका कूल रे हेउछि सत्यवादी सुआंडोरे 5G अध्यक्ष भीके पांडियान उत्कल दिवस रे सुआंडोरे पहुंची उत्कलमणि गोपबंधु को जणाइले श्रद्धांजलि गतकालि संध्या रे सुआंडोरे पहुंचीथिले भीके पांडियान गोपबंधु को सठिकर दर्शन करबा सह गोपबंधु को संग्रहालय भितरे थिबा उत्कलमणि गोपबंधु को प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करी गोपबंधु को स्मारकी संग्रहालय बुली देखिथिले भीके पांडियान गोपबंधु को अणनाति धीरेन्द्रनाथ को जाई घर को जाई सहित किसी समय भेटिदे याचड़ा उत्कलमणि संग्रहालय भितर पार्क में खेलुवा कुनि पिला अभिभावकों सहित पार्क और सुविधा सुजोग नहीं आलोचना करते संग्रहालय बाहर बसी व्यवसाय करुवा उठा दोकानी सहित आलोचना करते भलमंद बुझीते पांडियान को गस्त समय सत्यवादी बीजेडी विधायक प्रार्थी संजय दास वर्मा सत्यवादी अंचल शताधिक लोक उपस्थित थे केजरीवाल को मिललानी आश्वस्ति जेल गले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली अबकारी दुर्नीति में ईडी द्वारा गिरफ केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट आसंता 15 जाए तिहार जेल को पढ़ाई द्वितीय पर्याय रिमांड कस्टडी शेष होगा पर ईडी केजरीवाल को कोर्ट में हाजर करदियों ईडी पुणी रिमांड ने कोर्ट में आवेदन करता कि 15 दिन जेल कस्टडी में पठाइवा कोर्ट को अनुरोध करते अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ईडी कहिबा कथा जेरा बेले केजरीवाल काले आदु सहयोग करना अधिकांश प्रश्नर उत्तर एड़ाई तेणु एभली स्थित में 15 दिन विचार विभाग हाजत को पठा जाऊ कोर्ट को अनुरोध करा तमिलनाडु मंत्री सेंथिली बालाजी को उदाहरण दे राजू अर्थात विचार विभाग हाजत शेष पर एप्रिल 15 पर पुणी केजरीवाल को रिमांड कस्टडी दावी करे ईडी सोमवार राउज एवेन्यू कोर्ट में शुणी बेले मुख्यमंत्री केजरीवाल स्त्री सुनीता केजरीवाल दिल्ली सरकार को मंत्री अतिशय सौरभ भरद्वाज उपस्थित थे जेल को जवाबे साथीरे तीन खंड बही नेबा को कोर्ट को अनुरोध करते केजरीवाल श्रीमद भगवद गीता रामायण नीरज चौधरी को लिखित हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स बही साथीरे नेबा को केजरीवाल को अनुमति देखते कोर्ट ए अतिश असुस्थता कारण जेल भितर स्वतंत्र खाद्य औषध जोगाइबा को कोर्ट को अनुरोध करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस रे किछि मात्रा रे आश्वस्ति निर्वाचन चलता पर्यंत ग्रांड ओल्ड पार्टी 3567 कोटी टंका टिकस दाबी करिवो नाही आयकर विभाग आयकर विभाग नोटिस विरोध में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाइतिला दल को मिली आश्वस्ति निर्वाचन चलता बेले कांग्रेस पाखु टिकस आदाय करिवो नाही बोली सुप्रीम कोर्ट कथा देछन्ति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आयकर विभाग नोटिस को नहीं केन्द्र बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार को टार्गेट करिथिला कांग्रेस मोदी सरकार टैक्स टेररिज्म चलाइथिबा अभियोग करिथिला दल प्रथमे दिल्ली हाईकोर्ट रे कांग्रेस यह विरोध में आवेदन करिथिला किंतु हाईकोर्ट आवेदन को खारज कर देबा परे सुप्रीम कोर्ट जाइथिला कांग्रेस विचारपति जस्टिस बबी नागरत्नां जणिकिया खंडपीठ मामलार शुणाणी करिछन्ति तुषार मेहता मंतव्य शुणिबा परे जस्टिस नागरत्ना प्रश्न करिथिले टिकस दाबी उपरे पॉज बटन लगाइले कि सरकार सॉलिसिटर जनरल ताहा खंडन करिछन्ति केवल निर्वाचन बेले कोनोसी प्रकार पदक्षेप नियाजिबो नाही बोली तुषार मेहता कहिछन्ति 2024 मध्यरे दाबी टिकस 20% देवा को कांग्रेस को कहुवा कोर्ट को जणाइछन्ति तुषार मेहता किछि दिन तले कांग्रेस 4 अकाउंट फ्रीज करिथिला आयकर परे ट्रिब्युनाल को निर्देश परे फ्रीज हटाइथिले भी अकाउंट रु 135 कोटी टंका नै जाइछि कांग्रेस पक्षरु वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघी जुक्ति आपस्थापन करिथिले कांग्रेस एक राजनीतिक दल कौन लाभकारी संस्था नुहे कहते कहीं आयकर विभाग बीजेपी विरोध में सामान पदक्षेप नहीं ना बोली प्रश्न करते अभिषेक आयकर विभाग बीजेपी को कहीं 4600 कोटी टंकार नोटिस पठाई ना बोली पूर्व कांग्रेस अभियोग आोलुची कचा तिबु को नहीं कला चिठा केमी श्रीलंका पाइला कचा तिबु दीप प्रथम आरटीआई तथ्य को नहीं बीजेपी जोरदार हमला पर प्रधानमंत्री मोदी टार्गेट एवं वैदेशिक मंत्री जयशंकर बड़ बयान श्रीलंका को यह दीप देवाक चाहूंगे स्वाधीन भारत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एपरिक पूर्वतन मुख्यमंत्री करुणानिधि भी जनाइले सहमति जहां परवर्त समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी बेले श्रीलंका को दिया जाता जहां नहीं तथ्य सामना को आसवा पर जोर धरी गतकाली प्रधानमंत्री मोदी
एने कांग्रेस को टार्गेट करने सह यह दल को केवे विश्वास करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो 90वां प्रतिष्ठा दिवस रे आयोजित कार्यक्रम में जोगदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथस गौरवमय सफलता को मन रखा जारी होगी स्वतंत्र 90 टंकिया मुद्रा। बड़ कथा मुद्रा सुन ग्रामर हो 99.99% रूपारे तैयारी। यह अवसर में पीएम मोदी आरबीआई का गौरवमय इतिहास संपर्क में उल्लेख करते। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का सर्वोच्च अर्थनैतिक नियंत्रणकारी संस्था। भारत में अर्थनैतिक उन्नति सुधार सुरखुरे चलने विभिन्न नियम प्रणयन करे। यह निज अधीन विभिन्न मुद्रण संस्था साहाय्य आवश्यक अनुजाई नुआ मुद्रा छपाइबार बजार को पड़ता है। यह देश में समस्त सरकारी बेसरकारी आंतर्जातिक बैंक मानक नियम प्रणयन करें। आज होगी एप्रिल मास 1 तारीख। आज आरंभ हुए देशर नूतन आर्थिक वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक बहु गुरुत्वपूर्ण दिन आज भारतीय रिजर्व बैंक जन्मदिन 90 वर्ष में पाद रखी भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक 90वां जन्म दिवस अवसर में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते प्रधानमंत्री। यह अवसर में केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास उपस्थित थे।